नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लस में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेड में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लोग इसको लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं कि भैया कैसी मेरिट क्या बनेगी, तो मैं बता दूं आपको कैसे कैसे आपको तैयारी भी करनी है। तो तैयारी में देखिए, सिलेबस अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, लोग तमाम तरीके से सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन वो जब से पेपर, जब आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तभी वो क्लियर हो पाएगा कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या क्या रखा जाएगा। लेकिन एक अनुमान लगा सकता है, तो अनुमान के आधार पर 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो 150 नंबर के पेपर में फिलहाल अभी जो पूरा फोकस है वो 40 नंबर में आपका हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, अभी ऐसा कुछ है, ये 40 नंबर का मैटर है, ठीक है। और 30 नंबर का ये कन्फर्म है, 30 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है, चमचमाई की है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। और 10 नंबर का सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ऐसे ऐसे 5-10 नंबर में सब चीज़ें दी हुई हैं। देखो इधर से यहाँ एक बड़ा पोर्शन तैयार हो रहा है, तो तब तक हम करें क्या, मतलब जब तक हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, हमें पक्का सिलेबस नहीं पता पड़ रहा, तब तक हम क्या करें, तो तब तक हम ये अपना करंट अफेयर के पोर्शन को कंप्लीट करें, ठीक है ना। तब तक मैं कुछ फर्जी आपको बताना नहीं चाहता कि ये आ रहा है ये आ रहा है, तो उसमें परेशान ना होइएगा। अभी 30 नंबर पहले करंट अफेयर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो पहले करंट अफेयर मेरे वीडियो चल रहे हैं, अगर आप नहीं देखें तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए, मैंने 2 वीडियो एशियन गेम्स में कंप्लीट किए हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 150 में बताने जा रहा हूँ मेरिट कैसे बनेगी, तो ध्यान दें, आपका 10th 12th BSc BCom या BEd जो भी है, इधर ये BEd, ठीक है। तो आप बात करते हैं 10th की, तो 10th में आपका जो 10th में जितना भी परसेंटेज जो भी रहा है उसका 10% लिया जाएगा, 12th का 10% लिया जाएगा, BSc BCom का 10% लिया जाएगा, और BEd का भी, BEd या BTC जो भी हैं आप, उसका 10% लिया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल 40% हो गया, और जो 60% बचा, 60% आपका रिटन एग्जाम का होगा, ठीक है। जो भी आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उस रिटन एग्जाम का 60% लिया जाएगा। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ वो, तो मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के हाई स्कूल में 50 नंबर है, ठीक है, 50% है, या मान लीजिए 300 नंबर है, ठीक है, ठीक 300 नंबर मान लीजिए, 50% में ले लीजिए, वो बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम चलिए 50% ले लेते हैं, किसी के 50% आया हाई स्कूल में, बीएड वालों के बेसिकली नंबर कम होंगे, बीटीसी वालों के नंबर ज़्यादा होंगे, तो मैं 50% मान लेता हूँ, इंटर 60% मान लेता हूँ, ठीक है। बीएससी बीए में चलिए 50% यहाँ भी है, यहाँ पर 70% आ गया मान लो बीएड में, ठीक है। तो यहाँ 10% कितना होगा, 5, यहाँ कितना होगा, 6, यहाँ कितना होगा, 5, यहाँ कितना होगा, 7, कितना होगा, बोलो 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16, 16 और 7, 16, 4, 20 और 3, 23, ये 23 नंबर हो गए। अब BTC वाले का स्कोर जरा देखें, तो BTC वाला जो होगा, ये BEd वाला हो गया। अब BTC वाले की बात करें, तो BTC वाला यहाँ उसके कम से कम 70% हाई स्कूल में होगा, इंटर में 80% होगा, यहाँ भी 70% लिया होगा, और यहाँ पर BEd वगैरह में भी उसका 70% होगा। तो यहाँ पर बन जाता है 7, 8, 7, 7, तो 7 × 28 और 1 29, यहाँ 29 नंबर होता है BTC वाले का, और BEd वाले का कितना हो रहा है, 23 नंबर, यानी BEd वाला यहाँ से अमूमन कितना पिछड़ रहा है, उससे 5-6 नंबर लगभग लीड हो गई है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि BTC 5-6 नंबर लीड ले गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग रिटर्न पर। रिटर्न में मान लो किसी लड़के एक बंदे के 150 नंबर में से 90 नंबर आ गए, जो कि क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, जैसे टीम चाहिए होते थे, तो यहाँ लेकिन क्वालिफाइंग का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपके 60% नंबर आ गए, मान चलिए 90 नंबर आ गए आपके। अगर किसी बच्चे के 90 नंबर आ गए, ठीक है, तो 90, अब 90 कितना हो गया, 60% हो गया। अब 60% का 60% निकालना है आपको, यानी 60 का 60% कितना हो गया, 36, तो 36 नंबर ये, ठीक है। और वहाँ पर अगर उसी बंदे के इतने आते हैं 36, अगर आपके मतलब ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, अगर आपके 110 आ जाते हैं, 120 आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत आगे निकल जाएगा जाके, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो कि नहीं भैया बीएड में हमें तो हमारे नंबर कम है या परसेंटेज कम, मेन कहानी रिटर्न एग्जाम की है। रिटर्न 60% जुड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वहाँ कितना अंतर आ रहा है, 1-2 नंबर का बस, बहुत विशेष अंतर नहीं है। ये स्कोर सबका थोड़ी होगा बीएड वालों, कुछ का अच्छा भी होगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले फोकस करें रिटर्न एग्जाम पर, तो रिटर्न ही मेन है। अगर रिटर्न एग्जाम फोकस करते हैं तो ये जो अंतर है
मेरिट वाला, ये मेरिट का इतना मैटर नहीं करेगा, पूरा मैटर करेगा रिटर्न का। तो रिटर्न में अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और रिटर्न अच्छा करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको करंट अफेयर्स और सारा जो मैटर है उससे रिलेटेड मैं कराता रहूँगा। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, खुश रहें और मेरे वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।